झूमती फसलें, लहलहाते खेत, भरपूर पानी से भरे कुएं, सुखी और संतुष्ट परिवार, गांव में बहता अपार आनंद, खुशी में डूबी ये वो महिलाएं हैं जिन्हें पानी के लिए हर रोज मीलों भटकना पड़ता था। आज पानी में खेलने वाले ये वो बच्चे हैं जिन्हें स्कूल छोड़ दिन भर टैंकर्स की राह देखनी पड़ती थी। टैंकर आला ना आमच्या गावाला या वर्षी, आता इथून पुढे येणारच नाही, पाऊस काय झाला ना एक वर्षभर पाणी हटणार नाही गावचं। जिस जमीन पर आज फसलें लहलहा रही हैं, ये वही जमीन है जिस पर पिछले साल तक एक तिनका भी नहीं उगता था। गेल्या वर्षी ह्या दिवसात थेंब पाण्याचा नव्हता, पण ह्या वर्षी अशा पद्धतीची कंडिशन आहे की पूर्ण शिवार आमचं हिरवगार झालेलं आहे। और आज पानी से समृद्ध ये वही गांव हैं जो पिछले साल तक सूखा ग्रस्त थे। जितना जाल जितना तमाम पानी है, तलावात पानी है, बिल्डिंग भरले है, वड्याला पानी वाहत है, विहिरी तमाम है, मन इतक प्रसन्न झाले कि आमचा पुनर्जन्म झाला का काय। तालुक्यामध्ये 106 गाव आहेत, आमच्या गावची ओळख शेवटच्या 6 मध्ये होती, ती आज आमची टॉपच्या 5 मध्ये ओळख आहे। ह्या पाण्यामुळं आणि गावाच्या एकीमुळं टॉपच्या 5 मध्ये आहे। लेकिन एक साल में ऐसा क्या जादू हुआ? इन सभी गांवों के बीच समान बात यह है कि इन सभी ने पानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित सत्यमेव जयते वाटर कप स्पर्धा में हिस्सा लिया। ये स्पर्धा लोगों तक जल संधारण का विज्ञान पहुंचाकर सूखे के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की एक ऐसी कोशिश है जिसके साथ सरकार और कॉरपोरेट जगत के दिग्गज खड़े हैं। स्पर्धा के लिए दिए जाने वाले 4 दिवसीय निवासी प्रशिक्षण के दौरान लोगों को समझ में आया कि सूखा निसर्ग निर्मित नहीं बल्कि मानव निर्मित है, और इसीलिए इंसान अगर चाहे तो एक बहुत आसान उपाय से सूखे से छुटकारा पा सकता है, और ये उपाय है पानलोट विकास का विज्ञान। प्रशिक्षण के दौरान यही विज्ञान लोगों को सिखाया गया। खऱ्या अर्थाने ट्रेनिंग मध्ये गेल्यानंतर कळलं की जल संधारण काय असतं आणि पाणी म्हणजे काय, पाण्याची किंमत काय, पाण्याचं बजेट काय, एवढी तोला मोलाची माहिती त्यांनी सांगितली, आणि त्याच्यातून नक्कीच आता आपण भी आपल्या गावात जर केलं तर 100% हाताला पाणी येते अशी खात्री आम्हाला सुद्धा वाटायची। धरती मातेविषयी कधीच असं प्रेम वाटलं नव्हतं जे या 3.5 दिवसात या ट्रेनिंगमध्ये आम्हाला त्यांनी शिकवलं सांगितलं। प्रशिक्षण पाकर गांव वापस आए लोगों ने अपने अपने गांव में आसानी से इस्तेमाल करे जाने लायक इस विज्ञान को जमीनी स्तर पे अमल में लाने का मन बनाया। सभी आपसी मतभेद एक तरफ रखकर गांव एकी के साथ इस काम में आगे बढ़े। कुठला तरी असं जर पुढे ध्येय असेल तर माणूस पळतो त्याच्या पाठीमागे, तसं ते वॉटर कप ना आम्हाला ध्येय दिलं आणि मग आम्ही त्याच्या मागे सुसाट वेगाने जसं तुफान आले म्हणत पळत सुटलो। स्त्री पुरुष, स्कूली बच्चे, वृद्ध जन, सब लोगों ने जीतोड़ मेहनत की। रोजंदारी जाऊनच शेतीत लोकांच्या काम करून जगावं लागतं, त्याच्यापासून तो हायेस्ट 1 कोटी उत्पन्न घेणारा वर्षाला असावी एक व्यक्ती, त्या व्यक्तीपर्यंत सगळी श्रमदानाला आलेली होती। देखते ही देखते पाणी के लिए शुरू हुई इस मुहिम ने एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। लाखों लोगों ने मिलकर श्रमदान किया। सकाळी 7 कामाला सुरुवात केली की 1 वाजेपर्यंत कधी कधी 1.5-2 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होतं, काय विचार न करता उन्हातच सर्व महिला पुरुषांनी काम केलं। काम चालू करायचं ह्याच्यासाठी प्रत्येकात उत्साह होता, पण बंद करण्यासाठी कधी कोणी म्हणत नव्हतं। सरकार और हर स्तर के सरकारी अधिकारियों ने भी इस मुहिम में एक बेजोड़ भूमिका निभाई।
जलयुक्त शिवार और दूसरी कई योजनाओं के अंतर्गत गांव को जल संधारण के काम के लिए आर्थिक मदद मिली। आम्हाला शासनाकडून मदत मिळाली आणि नाला खोलीकरणाचे काम आमच्या इथं भरपूर प्रमाणात जलयुक्त शिवारातून झालेले आहे। आम्ही जो लोकसभा तयार केला आम्ही श्रमदान करायला चालू केलं, शासन पण धावून आलं आमच्या मागे। ज्यावेळेस आपण काहीतरी करू त्यावेळेस शासन असेल, संस्था असतील, कारखाने असतील, सगळे आपल्यासाठी धावून येतील। प्रशासन और जनता के बीच की दूरियां मिटी और एक दूसरे के साथ संबंधों को एक नई दिशा मिली। लोक डायरेक्ट आमच्या कॅबिन मध्ये येऊन त्यांची समस्या मांडतात, फोनवर बोलतात, त्यांच्या मनामध्ये प्रशासनाच्या बाबतीत जी भीती होती ती कमी झाली, हळूहळू दूर झाली। मुझे लगता है कि ये जो नई दोस्ती है प्रशासन और जनता, ये जब साथ आ जाती है तो फिर विकास कोई रोक नहीं सकता। जहां एक तरफ शासन और लोग साथ में आकर सूखे को चुनौती दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर घटते इस चमत्कार को देखकर समाज के विभिन्न घटकों ने भी गांव की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अनेक सामाजिक संस्थाएं भी इस काम के साथ जुड़ गईं। भारतीय जैन संघटना ने 350 से अधिक गांवों को कुल 75,000 घंटों के लिए जेसीबी और पोकलैंड मशीनें मुफ्त में उपलब्ध करवाईं। इससे काम को एक अलग गति मिली और श्रमदान की मुहिम को बल। जैसे जैसे दिन बीतते गए श्रमदान एक आनंदोत्सव में बदलता चला गया और देखते ही देखते कभी एक एक टैंकर पानी को तरसते इन गांवकरियों ने 45 दिन की छोटी सी अवधि में 8,261 करोड़ लीटर पानी जमा करने की क्षमता का निर्माण किया। ये इतना पानी है कि अगर इसे 10,000 लीटर की क्षमता वाले टैंकर्स में भरा जाए तो 82,61,000 टैंकर्स भर जाएंगे और यदि ये टैंकर्स एक के पीछे एक खड़े कर दिए जाएं तो इनकी लंबाई इतनी होगी कि ये पूरी पृथ्वी को 1.24 बार घेर लेंगे। मॉनसून का आगमन हुआ और इस साल बारिश में कुछ खास बात हुई। लोगों के इस पराक्रम को देखकर इस साल भर से पानी ने उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं में ठहर कर जैसे उनके श्रम और शिल्प को सलाम किया है। पानी लोगों से मिलकर और लोग पानी से मिलकर खुशी से झूम उठे। हा खूप मोठा आनंद आहे, आत्मिक आनंद ज्याला म्हणायचं की आम्ही केलेलं श्रमदान आहे, आमच्या घामातून ते मिळालेलं पाणी आम्हाला आहे, त्या पाण्याची चव मात्र खूप वेगळी आम्हाला मिळाली। लोगों ने सूखे से लड़ने की अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया और पानी के साथ एक नया नाता बनाया। मैंने ऐसे लोग देखे दो दो घंटे सिर्फ पानी देखते हैं, क्योंकि देखा नहीं इतना पानी अपने गांव में, इतना पानी तो लोगों में एक आस्था तैयार हुई है, एक उसके प्रति लगाव तैयार हुआ है। और ये जो ओनरशिप है, ये जल, जमीन, जंगल, प्राणी और पर्यावरण, ये मेरा है। लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो गया कि सरकार की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बलबूते पर अपने गांव को जलयुक्त कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इससे अच्छी बात लोकतंत्र में दूसरी नहीं हो सकती। गांवकरियों द्वारा किए गए इस चमत्कार से पानी फाउंडेशन की पूरी टीम और संस्थापक आमिर खान और किरण राव को बहुत प्रेरणा मिली है और इसीलिए साल 2018 में और भी बड़े पैमाने पर सत्यमेव जयते वाटर कप स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। पानी फाउंडेशन को आर्थिक बल देने वाली उद्योग जगत की संस्थाओं और महाराष्ट्र सरकार ने बड़े उत्साह के साथ इस निर्णय को अपना समर्थन दिया है और इस साल वाटर कप स्पर्धा का आयोजन महाराष्ट्र के 75 तालुकों के हर एक गांव के लिए किया जा रहा है। तो चलिए आइए हम सब सूखे के खिलाफ इस युद्ध में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। पानी फाउंडेशन का ये विश्वास है कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं और सूखे को टक्कर दें तो वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण महाराष्ट्र जलयुक्त हो जाएगा।